हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही टेस्टी सी फलाहारी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे आज चीला बनाएंगे, फलाहारी चीला, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना और 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और झटपट से फलाहारी चीला बनाते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स आज यहाँ फलाहारी चीला बनाने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये 1/4 कप कह सकते हैं या फिर 1 छोटा कप कह सकते हैं, मैंने साबूदाना लिया हुआ था, बिल्कुल जो महीन वाला जो हम लोग नॉर्मली खिचड़ी बनाने में यूज़ करते हैं वो साबूदाना हमने यहाँ पे यूज़ किया था। और ये समा के चावल हैं। दोनों चीज़ों को हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद ये देखिए साबूदाना बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है और बहुत ईजली ये बिल्कुल जो है हम अभी इसको ग्राइंड करेंगे, बहुत ईजली ग्राइंड हो जाएगा। और साथ में ये समा के चावल लिए हुए थे, ये भी देखिए इस तरह से फूल गए अच्छे से। तो बस अभी चीला बनाने के लिए इन दोनों को मिला के हम एक पेस्ट रेडी करते हैं। तो पहले समा के चावल हम डालेंगे, सारे चावल निकाल लेते हैं इसके, और साथ ही साथ इसमें ये साबूदाना भी हम डाल देंगे। आप एक साथ भी पीस सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मैं एक ही साथ में कर देती हूँ इसी क्या। तो ये हमने साबूदाना डाल दिया इसमें और साथ में ये मैंने 2 हरी मिर्च लिए हुए थे, ये भी साथ ही में डाल देंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। हम एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे चीले के लिए और इस तरह से ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, एक फाइन पेस्ट इसका बना के रेडी कर लिया है। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो बैटर हमने बनाया है, तो चीले के लिए कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है इस बैटर की, आप इस तरह से ये देख सकते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें नमक डालना है, साथ में हरी मिर्च मैंने ऐड की थी, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, साथ में ये धनिया पत्ती इसमें डालेंगे और लाल मिर्च तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बस 1 पिंच थोड़ा सा डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फाइनली हमने तवा भी गर्म कर लिया है चीला बनाने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं चीला बनाना। तो चीला बनाते टाइम हमें तवे को बिल्कुल डोसे की तरह चिकना करना है, जिस तरह से डोसे में तवा हम यूज़ करते हैं। तो हल्का सा हमने पहले ग्रीस किया है, उसमें बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा देंगे और एक कपड़े से इसको अच्छे से हमें इस तरह से पोंछ देना है। इसके बाद में हम चीले का बैटर इस पर फैलाएंगे। तो जितना बड़ा चीला आपको बनाना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए गोल गोल करके आप जितना साइज रखना चाहते हैं उतना साइज आप कर सकते हैं चीले का, मैं इतना बड़ा बनाऊंगी और पतला ही करके डालना है, बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी सा बनता है ये। और बस ये डालने के बाद में साइड से बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा किनारे कॉर्नर्स पे हम इसके ऑयल डालेंगे। तो बस बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो फलाहारी रेसिपी है बिल्कुल कम ऑयल में, बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल इसको लगता है बनाने के लिए। अब बस मीडियम गैस पे बढ़िया से हम इसको दोनों साइड से पका लेंगे और ये आप देख रहे होंगे कितना इजीली, अगर जब ये एक साइड पक जाता है आप देख रहे होंगे कॉर्नर्स बिल्कुल अपने आप इसके अलग हो गए हैं। तो अभी हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी बढ़िया से पका लेंगे। और ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी सा चीला बन के रेडी हो गया, आप देख भी रहे होंगे कितना पतला बना हुआ है। तो बस इसी तरह से हम और भी चीला बना के रेडी करते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म क्रिस्पी से फलाहारी चीले बन के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इनको 3 तरह की चटनी के साथ सर्व किया हुआ है और एक मैंने यहाँ पे खट्टी मीठी टमाटर की चटनी बनाई हुई है, साथ में पीनट चटनी है, धनिया और पुदीने की चटनी है। और इन सभी चटनियों के वीडियो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और साथ ही साथ मेरी रेसिपी को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
और जाने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।